ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम औरंगाबादच्या वतीने सोमवारी आओ मिलकर देश में एकता बढ़ाने के लिए संघर्ष करे या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं असून पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यावेळी मुख्य अतिथी असणार आहेत. या कार्यक्रमाविषयी जुनैद फारूकी यांनी अधिक माहिती दिली आहे. ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम एक नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंसानों के दरमियान भेदभाव खत्म कर इंसानियत के काम करती है. आज शहर के हालात को देखते हुए हम लोगों ने एक प्रोग्राम देवगिरी कॉलेज में कल यानी 29 तारीख की दोपहर में रखा 2:30 बजे से 3:30 बजे तक 2:30 से 3:30 तक, जिसमें औरंगाबाद के ज़िम्मेदार शहरियान शरीक रहेंगे और इसके प्रेसिडेंट जो है हमारे कमिश्नर साहब चिरंजीव प्रसाद साहब रहेंगे. और इस प्रोग्राम को होस्टिंग देवगिरी कॉलेज के प्रिंसिपल उल्लास शिरकर सर करेंगे. हम इस प्रोग्राम के ज़रिए मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाला हर वासी, हर रहने वाला हर औरंगाबादी, जो कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई यहाँ पे अमन चाहता है, सुकून चाहता है. और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोगों ने इस शहर में अमन के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें एनजीओज़ को भी बुलाया गया, इसमें शहर के मजहबी ज़िम्मेदारों को बुलाया गया. और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम चाहते हैं कि शहर में दोबारा अमन आए, सुकून आए और शहरियान एक दूसरे से अतमाद के साथ दिन गुजारे.